गाइस, वेलकम बैक टू मेरी दुनिया। कैसे हैं आप लोग? तो आज है डे है सैटरडे और मेरा खाना बनाना नाश्ता। प्रिंस का सैटरडे को भी स्कूल था, तो जब मैं स्कूल जाने जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मंडे को कुछ था तो शायद स्कूल बंद था, तो शायद उन लोगों का कोई रूल होगा, तो आज एक्स्ट्रा मतलब क्लास हो रहा है स्कूल से। तो सैटरडे के दिन भी स्कूल है, ऐसे सैटरडे के दिन उसका स्कूल होता नहीं है। और सैटरडे है तो हमारे घर बन रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं खिचड़ी। एक मिनट बैक कैमरा से दिखाती हूँ आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बना रही हूँ खिचड़ी, और खिचड़ी बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं करना है। सैटरडे है तो आप लोगों को भी खिचड़ी खाना चाहिए, मतलब हमारे घर में तो खिचड़ी ही बनता है, और सैटरडे है तो स्पेशल खिचड़ी कुछ नहीं बन रहा है इसमें, बिल्कुल प्लेन बना रही हूँ, क्योंकि प्रिंस को प्लेन खिचड़ी ही पसंद है। तो मूंग दाल की ये खिचड़ी है जो मैं बना रही हूँ, ब्लॉग में बने रही है। आज मैं बहुत ही नए तरीके से आपको आलू के पराठा की रेसिपी दूँगी। ऐसे आलू के पराठा का रेसिपी मैंने बहुत बार ही दे दिया है, लेकिन आज एक और नए तरीके से दूंगी। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा किचन है अभी फैला हुआ, अभी इसको थोड़ा देर में समेट लूँगी, सबको ठीक कर लूँगी। यहाँ पे मैं चाय बना कर पी थी, ब्रेकफास्ट का सारा काम खत्म हो गया है, तो ऐसे किचन पड़ा हुआ है। और शनिवार के दिन आपके घर क्या बनता है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा आलू जो है कुकर में बॉयल हो जा रहा है, तो उससे क्या होगा ना, आलू का चोखा बन जाएगा। और मैं एक दो दिन से ना कंटिन्यू ब्लॉग नहीं कर पा रही थी, उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे देखिए, चलिए आप लोगों को लेके चलती हूँ हस्बैंड जी से मिलवाती हूँ आप लोगों की, हस्बैंड जी क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हस्बैंड जी खाना का इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब अभी वो रेस्ट कर रहे हैं। और इसके बाद से मैं ब्लॉग बनाना शूट करना सब भूल गई थी, तो अभी हो गया है संडे, संडे का मॉर्निंग, तो सॉरी इसके लिए। और मैं संडे का मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ फिर ब्लॉग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं घर पे झाड़ू पोछा जैसे एज यूजुअल आप लोग करते हैं, वैसे मेरा भी घर में सुबह सुबह उठ कर झाड़ू पोछा ही होता है, उसके बाद से नहाना धोना नाश्ता बनाना या जो भी होता है। कभी कभी ऐसा नहीं है, मैं भी बिना नहाए नाश्ता बना लेती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि नहाने के बाद ही हमारा नाश्ता वगैरह बने। तो चलिए आज के ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं आपको ना इंटरेस्टिंग तरीके से आलू का पराठा बनाना सिखाऊंगी। तो और भी आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जिनको गाइस नहीं पता उनको बता दूँ, मेरे हस्बैंड का ना 6 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, तो उनके एक्सीडेंट के बाद से गाइस मैं अपने घर का ना एज ए मतलब बेटे के लिए बाप का रोल और माँ का रोल मैं ही फॉलो करती हूँ, मैं ही करती हूँ सब कुछ। तो अकेले मैं एक हाउसवाइफ होकर घर को कैसे मैनेज करती हूँ, घर का खर्चा कैसे चलता है, मेरा घर पे सब कुछ कैसे होता है, यही सब आपको मेरे ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। कि मेरी बूढ़ी सासू माँ उनको देखभाल और हस्बैंड का देखभाल मैं कैसे करती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट डे में नहाना वाना हो गया है, उसके बाद से मैं आई हूँ यहाँ पे किचन में और मैं बना रही हूँ आलू का पराठा। तो आज ना मुझे मन किया कि एकदम सिंपल तरीके से बनाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप पहले भी इसको भूज के रख सकते हैं, मैं अभी भूज रही हूँ। ये इसमें है जीरा, धनिया, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा हल्दी। इस सब को ना थोड़ा सा तावा गरम करके उस पर हम लोग भून लेंगे, या अगर आपके पास गोटा है ना, अगर जीरा वगैरह धनिया, तो उसको आप भून के फिर उसको मिक्सर में पीस लीजिए, एक ही बात है। और दूसरी तरफ मैं कर लूँगी आलू को बॉयल। तो यहाँ पे देख सकते हैं आलू मेरा अच्छी तरह से हो चुका है बॉयल, इसको मैं निकालूंगी एक प्लेट में। और तब तक मसाले को मैं भी पूरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं धुआं आ गया है, मतलब हमारा मसाला अच्छी तरह से भुना जा चुका है। ज़्यादा भी इसको नहीं भुनेंगे ताकि इसका कलर ब्लैक हो जाएगा, मतलब जल गया है। आप देख सकते हैं जब ऐसा धुआं उठे ना, तब गैस को बंद कर दीजिए, इससे क्या होता है ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और मैंने प्रिंस को ना मैं कभी भी ऐसे आलू का पराठा नहीं खिलाई थी, तो आज सोचा कि चलो उसको ऐसे ही खिलाती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक बर्तन में ले लिया है आलू, और उसमें डाल दूंगी ये सारे मसाले जो मैंने लिया है, उसके साथ हरी मिर्च और धनिया पत्ता जरूर डालें, उससे क्या होता है ना आपका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पर ना, प्याज काट के ज़रूर ऐड कर लीजिए, मैं प्याज नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि प्रिंस को ना बिल्कुल भी ये सब पसंद नहीं है, इसके वजह से मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। और हम लोग आलू के पराठे को ना पालक आटे में, मैंने पालक को पेस्ट बनाकर आटे में गूंथ लिया है, और उसके अंदर मैंने फिलिंग को फिल किया है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, इसकी रेसिपी मेरे किसी और वीडियो में आप जाकर देख लीजिएगा, मैंने फुल रेसिपी बताया है कि कैसे पालक को गूंथेंगे आटा के साथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों के लिए हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी है। उसके बाद चलिए दोपहर हो गया है, हम और प्रिंस बैठ गए हैं खाना खाने। प्रिंस देखिए क्या खा रहे हैं, मिर्चा और प्रिंस मटन और राइस मेरे खाने में है, देख सकते हैं साग और चावल। हाँ, बड़ा ही मटन है, खाओ गाइस। मैं वेज हूँ, वो नॉन वेजिटेरियन खाना खा रहा है, मैं वेज। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, आज दिन है संडे, तो पूरा दिन ब्लॉग बने रही है, आज पूरा दिन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे कैसे सब मैनेज करती हूँ। दोपहर हो गया, आज धूप हुआ है बहुत दिन बाद, तो गद्दा को लेकर धूप में डाली हूँ, तो शाम को फिर उसको सब ठीक करूँगी। और सब आप लोग बोलिए कैसे हो,
तो देख लीजिए हावी प्रिंस, तो खा लेते हम लोग खी सकते हैं। दोपहर के खाना में है साग चावल मटन, तो मटन मैं नहीं खाती हूँ इसलिए मेरे लिए साग और चावल है और हरी मिर्च, और बाकियों के लिए मटन है। और ये रात हो चुका है तो रात के खाना में है यहाँ पे देख सकते हैं मिक्स फ्राइड राइस और आलू का पराठा। तो चलिए मम्मी जी और हस्बैंड जी के लिए खाना लेके चलते हैं। तो यहाँ पर मम्मी जी और हस्बैंड जी को मैंने खाना दे दिया है। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। मम्मी जी को आलू का पराठा बहुत पसंद आया तो मम्मी आलू का पराठा ही खाई, और फ्राइड राइस भी पसंद ही है, सबको ही पसंद होता है। आपको पता है विंटर सीजन है तो आप उसमें थोड़ा सा मटर अंडा वगैरह डाल के मैंने बनाया था। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कल से ना रेगुलर ब्लॉग जाने वाला है। आज तक मैं ब्लॉग जो नहीं लेके आई थी अब कंटिन्यू करने वाली हूँ।